जी जनाब, इस घर में आए थे वो। इस घर में आने के बाद प्यासे थे, पानी पानी ढूंढ रहे थे। यहाँ घुसने के बाद ये ड्रम जो है, इस ड्रम में उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद यहाँ बरामदे में बैठे, वो चेयर लगी है, एक साइड बैठ गए, एक साइड बैठ गए। सर एक लेडीज थी और दो बच्चे थे, और कोई नहीं था घर पे, हस्बैंड के बाहर थे तो वो अकेले ही थे अंदर। मैंने सर उनको इधर खड्ड में देखा था। हाँ खड्ड में देखा था, ना उधर बाहर गया था। हाँ सामने, हाँ सामने, फिर वो हमारे पीछे पीछे गांव की तरफ आ गए। अच्छा, वो मतलब वो वहीं से आपके साथ साथ आए। कहाँ पे आए, कहाँ पे आए? इधर आए थे बड़ के पास, वो वाला पेड़, वो जो सामने पेड़ देख रहे हैं। हाँ सामने। फिर इसी सड़क पर दोनों आतंकी जो थे वो मौजूद थे, और यहाँ से ही एग्जैक्टली फायर जो था वो उस घर में किया गया। देखिए ये अगर आप मार्ग देख पाएंगे तो ये बताते हैं कि यहाँ पर ग्रेनेड एक्सप्लोजन हुआ है, और यहाँ यही वो दुकान है जिसका जिक्र वो जो महिला है जिनके घर पर फायर किया था उन्होंने कहा था कि। तो हीरानगर सेक्टर में मैं अब उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर सबसे पहले आतंकियों ने दो बुलेट्स फायर किए थे। यही वो घर है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो अब मुआयना करने के लिए आए हैं। देखिए, और बाकायदा यहाँ पर इस घर की पूरी यहाँ पर मुआयना किया गया है कि किस प्रकार यहाँ पर फायर किए गए। तो इसी सड़क पर दोनों आतंकी जो थे वो मौजूद थे, और यहाँ से ही एग्जैक्टली फायर जो था वो उस घर में किया गया। और फायर में जो है वो ऊपर एक फायर मार्क बना है, और यही वो घर है जहां पर कि दो सिविलियंस जो थे वो घायल हुए थे। और देखिए, मैं आपको पूरी अब यहां से कहानी बताऊंगा कि आखिर कैसे ये पूरा घटना हुई। ये पीछे का अगर आप एरिया देखेंगे, मेरे साथ यहां के एक लोकल शख्स भी मौजूद हैं जो कि हमें पूरी कहानी बताएंगे। ये पीछे का जो एरिया है, यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो आतंकी थे वहां पीछे जो जंगल से आपको दिख रहे हैं, जो पेड़ दिख रहे हैं, वहां से ये आतंकी आए थे। और मेरे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद है, इस तरफ आइए। सर आप बताइए कि आतंकी कहाँ से आए थे, और आपकी आतंकियों से कहाँ पर आपने सबसे पहले उनको देखा था? मैंने सर उनको इधर खड्ड में देखा था। कहाँ पर देखा था? वो खड्ड में। हाँ खड्ड में देखा था, ना उधर बाहर गया था। वो खड्ड? हाँ सामने। यहाँ से दिखाइए। हाँ सामने। अच्छा, वो सामने जो आम का पेड़ दिख रहा है ना, इधर जो आम का पेड़ है। हाँ, उस सेंटर में खड़े थे खड्ड में, ना उधर बाहर गया था। तो एक बंदे को ऐसे ऐसे कर रहे थे, पता नहीं बोल रहे थे कि पानी लाओ पानी लाओ। अच्छा। पानी पिलाओ हमें लाके। फिर उनको छोड़ दिया, फिर वो पानी लेने आए तो फिर वो हमारे पीछे पीछे गांव की तरफ आ गए। अच्छा, वो मतलब वो वहीं से आपके साथ साथ आए। कहाँ पे आए, कहाँ पे आए, किस तरफ आए? इधर आए थे बड़ के पास, वो वाला पेड़, वो जो सामने पेड़ देख रहे हैं आप सामने। फिर वो सीधे रोडो रोड छटके छटके इधर आ गए। नहीं, उन्होंने जब कहा कि हमें पानी लाकर दीजिए, पानी कहाँ पर पिया उन्होंने? पानी भी पिया उन्होंने? पानी उन्होंने इधर से मांगा, पहले वहाँ से मांगा। हाँ, तो वो जहाँ है ना पानी, जहाँ बूढ़ा खड़ा उस बुजुर्ग के पास, उन्होंने पानी पिया। ठीक है, फिर वो इधर को आया, इधर गोली फायर किया। अच्छा, है। देखिए वहाँ से दोनों आतंकी जो है वो वहाँ से निकल कर आते हैं, और इसी रोड पर आने के बाद यहाँ पर आकर उन्होंने दो फायर किए हैं इस घर में। हाँ, इस सामने वाले घर में जो जहाँ दो बंदे रहते हैं, एक दोनों सीधे हैं, और वो लड़का बाहर ही खड़ा था, तो सामने से इधर से गेट से ही उन्होंने फायर किया। गेट तो नहीं लगा, ऐसे खिड़की है, तो उसको फायर करके वो आगे की तरफ चले गए। हाँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब फायर हुए, और इनका ये कहना है, ये आई विटनेस है, कि यहाँ से फायर करने के बाद वो सीधे निकले आगे। हाँ, सीधे आगे चले गए। उस तरफ दिखाइए। हाँ, तो सामने उन्होंने पता नहीं उधर जाके भी वो किया है, किसी से पानी मांगा था। अच्छा। फिर उधर से वो बैठे हैं उधर जो कोई 10-15 मिनट, तो फिर उन्होंने क्या किया, और उनके पास ग्रेनेड थे दो, ग्रेनेड उन्होंने पता नहीं क्या किया, पिन निकाल दी चाहे क्या किया होगा, वो उनके हाथ में ही फट गया और सामने खड़े। अच्छा, वो जो स्पॉट, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनको उन्होंने क्या किया, वो उसके पास बैठा था, पता नहीं क्या पड़ा पूरा कुरान करो। अच्छा, जो आतंकी मरा हुआ था, दूसरा आतंकी उसके पास आकर बैठ गया। हाँ, उसने पता नहीं क्या पढ़ रहा था, हमें नहीं पता, फिर वो चाहे वो भाग गया था। अच्छा, फिर वो आगे भाग गया। हाँ, जंगल में चला गया। उसके बाद में पुलिस यहाँ पर आई थी, आई थी मौके पे, लेकिन वो पहले ही हो गया था। हाँ, उसको एनकाउंटर स्टार्ट हो गया। हाँ, एनकाउंटर स्टार्ट हो गया, सामने बाहर निकल के फिर उनको बताया भी है। पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया था? मैंने किया।
ठीक है, तो हाँ। पुलिस उसके बाद आई और ये पूरा एपिसोड हुआ। सुबह दूसरा आतंकी मारा गया? दूसरा सुबह मारा गया, अभी मारा गया है, कोई 12 बजे के करीब मारा होगा। वो कहाँ पे मारा गया? सामने सामने जंगल में ही, सामने माता रानी का, वैष्णो देवी का मंदिर है उसके सामने। वो स्पॉट मैंने आपको दिखाया था, तो ये आई विटनेस है यहाँ के, मैंने इनका नाम नहीं है आपको बताया है, और इन्होंने इनके साथ आतंकी जो थे वो वहां पर, ये कह रहे हैं कि ये वहां पर उस समय मौजूद थे आम के पेड़ के पास, और वहां आतंकी जो थे वो दोनों जंगल के रास्ते पहुंचे, और उसके बाद इन्हीं के पीछे पीछे जो थे वो इस रास्ते से होते हुए वो दुकान तक पहुंचे, और दुकान से इसी सड़क के रास्ते यहां तक आए, यहां पर आकर इस घर में दो फायर किए, और फायर करने के बाद जो आतंकी थे वो यहां से इसी सड़क के रास्ते जो है वो आगे चलते हैं। तो जो दो आतंकी घुसपैठ करने के बाद यहां इस गांव में पहुंचे थे, और उनमें से एक आतंकी इस स्पॉट के पास मारा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये वो घर है, यहां पर वो घुसे थे, और इस घर में घुसने के बाद, ये ड्रम मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर इन्होंने जो पानी पीना था यहां पर इन्होंने पानी पिया। देखिए आंटी भी अभी पानी यहां से निकाल रही है, इसी ड्रम में पानी था। यहां से पानी पीने के बाद ये दोनों आतंकी जो थे यहाँ इस बरामदे में आते हैं, और बरामदे में जो कुर्सियां आप देख रहे हैं चेयर्स, ये दोनों यहाँ पर बैठे, और यहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद यहाँ से बाहर निकले हैं। मेरे साथ एक और लोकल है, इनसे मैं बात करता हूँ। भैया इधर आइए एक मिनट, आप बताइए कि इस वक्त आतंकी आए थे, क्या हुआ था यहाँ पर, वो आए थे इस घर? जी जनाब, इस घर में आए थे वो। इस घर में आने के बाद प्यासे थे, पानी पानी ढूंढ रहे थे। यहाँ घुसने के बाद ये ड्रम जो है, इस ड्रम में उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद यहाँ बरामदे में बैठे, वो चेयर लगी है, एक इस साइड बैठ गए, एक उस साइड बैठ गए। इस साइड काफी देर बैठने के बाद वो बाहर निकले दोनों, और दोनों बाहर निकले बाद ये दुकान है, दुकान के पास आए, जहाँ एक जो है वो डेड हो गया और दूसरा जो भाग गया। यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था? जी जी, जहाँ ब्लास्ट हुआ था। उस समय पुलिस मतलब पहुंच रही थी, और यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट हुआ तो पुलिस थोड़ी मतलब पहुंच ही रही थी, लमसम मतलब पहुंच ही गई थी। तो उस वक्त ये यहाँ पर बैठे हुए थे, वहां पर अंदर कोई मौजूद था? अंदर एक लेडीज थी और दो बच्चे थे, छोटे छोटे, और कोई नहीं था घर पे, हस्बैंड उनके बाहर थे, तो वो अकेले ही थे अंदर में। जी, उसके बाद ये बाहर निकले हैं, और बाहर ये पूरी ब्लास्ट हुआ, उसके बाद बाहर हुआ ये घर से पानी पीने के बाद यहाँ बैठे कुछ देर बैठने के बाद बाहर गए, बाहर जाने के बाद जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद जो एक जो है वो डेड हो गया, दूसरा जो है यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर आतंकी मारा गया पहला, क्योंकि ग्रेनेड उसने निकाला था, और वही ग्रेनेड उसके हाथ में एक्सप्लोड हो गया, यानी कि वो ग्रेनेड इस्तेमाल नहीं कर पाया, ग्रेनेड यहाँ पर ब्लास्ट हो गया उसी के हाथ में, और कहा जा रहा है कि पुलिस वाले ने फायर किया। ये देखिए, ये वो स्पॉट है, और सड़क पर जो कुछ मार्क्स बने हुए हैं ये बताते हैं कि यहाँ पर ग्रेनेड एक्सप्लोजन हुआ है। ये देखिए, ये अगर आप मार्क देख पाएंगे तो ये बताते हैं कि यहाँ पर ग्रेनेड एक्सप्लोजन हुआ है, और यहाँ यही वो दुकान है जिसका जिक्र वो जो महिला है जिनके घर पर फायर किया था, उन्होंने कहा था कि एक दुकान के बाहर एक आतंकी जो है वो फायर हुआ है, वहां पर मारा गया है। इस दुकान के बाहर जो पहला आतंकी था वो मारा गया, और इसी रास्ते से जो दूसरा आतंकी था वो भागकर ऊपर जंगल की तरफ गया, जहां पर इस समय ये गाड़ी आप देख सकते हैं। तो इसी सिलसिले में ये जो पूरी मैंने आपको कहानी बताई है कि आतंकी इस तरफ से आते हैं, इस सड़क पर पहुंचते हैं, और ग्राउंड रिपोर्ट ये मैंने आपको यहाँ पर बताई, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर आकर इस गांव में किस प्रकार से आतंकी आते हैं, किस प्रकार से एक घर में फायर करते हैं, फिर एक घर में घुसते हैं, पानी वहां पर पीते हैं, उस घर के बरामदे में कुर्सियों पर बैठते हैं, कुर्सियों पर बैठने के बाद बाहर आते हैं, यहाँ पहुंचते हैं इस दुकान के बाहर, और यहाँ पर ग्रेनेड से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेनेड एक्सप्लोड हो जाता है पुलिस वाले के फायर में, जो अभी तक बताया गया है कि ग्रेनेड एक्सप्लोजन यहाँ पर हो गया, और उसमें वो आतंकी मारा जाता है, और दूसरा आतंकी कुछ देर यहाँ पर उस आतंकी के शव के पास बैठने के बाद जो है वो इसी रास्ते से जंगल की ओर भाग जाता है, और अगले दिन DIG और SSP की गाड़ी पर फायर करता है, और फायर करने के बाद जो गन फाइट दोबारा से शुरू होती है, और उसमें वो आतंकी जो है मारा जाता है। तो दो आतंकी इस पूरे एनकाउंटर में मारे गए, एक CRPF का जवान इसमें शहीद हो गया, और फाइनली जो है ये एनकाउंटर अब समाप्त हो चुका है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। नमस्कार।